दैनिक रुड़की, आपको पता है हम नंद विहार कॉलोनी सुनहरा में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो लोग एकत्र हैं कॉलोनी के, क्यों एकत्र हैं इनसे जानेंगे, क्योंकि यहाँ क्या समस्या है आपको यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। सबसे बड़ी समस्या है आज ही, ये रहा सिजरा और ये रही एप्लीकेशन जी, जिस जगह हम खड़े हैं बिल्कुल हमारे ठीक सामने सड़क के नीचे नाला 5 फुट का जी, और यहाँ से जाते हैं वो स्कूल के पीछे से जाकर वहाँ जाकर मिल जाए, अगर नाला बना हुआ आज भी जितने भी मकान उनके सबके पीछे। अब ये जमीन कुछ भू माफिया जो यहाँ से फ्लैट बना रहे हैं उन्होंने लेकर जबरदस्ती नाले को तोड़ दिया यहाँ से, और ये काम हम होने नहीं देने का, चाहे कुछ भी हो जाए हम आंदोलन पर धरने पर बैठे मर के उठेंगे, लेकिन नाला होगा यहाँ। अब वहाँ से कुछ नगर निगम के कुछ पटवारी कानून को आए हुए हैं, वे 4 दिन से इनसे मिली भगत करके हमारा ध्यान भटकाने खातर मोहल्ले के मकानों को तो क्या नाम नाप रहे, लेकिन कुल मिला के ये है कि नंबर को नापो हमारा नाला जुड़वाओ हमें, इससे क्या मतलब, नाला है सही हमारा, अगर इस तरह फालतू थी तो सड़क क्यों बनने दी इन्होंने फालतू, तो ये हमारी समस्या है और हम जब तक नहीं उठेंगे यहाँ से जब तक हमारा नाला नहीं छूट जाता। आपने जब यहाँ पर ये कॉलोनी कट रही थी, जब यहाँ पर ये पता जा रहे हैं कुछ लोग बता रहे कि भाई यहाँ पेड़ थे वो भी काट दिया, पूरा बाग था है, पेड़ कुछ नहीं जी, इसमें 10-20 पेड़ों की सरकार बना रखी है, फिलहाल भी वो कटे पड़े जो रात पेड़ कटवाए उन्होंने 4-5, रात को पेड़ काटते काटते पूरा बाग बिल्कुल खत्म कर दिया इन्होंने, क्या नाम फ्लैट बना दी बना रहे, सबसे बड़ी समस्या आया बिना परमिशन लेके काटोगे, परमिशन नहीं थी क्या जी, इतने बाग की हरे बाग की आप एक बार इधर उधर कैमरा घुमा के देखो, हरे बाग की परमिशन कौन दे देगा, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। तो किस तरीके से माफिया लोग पनप रहे, अरे पनप खूब माफिया, हमें कोई मतलब नहीं, हम अपने नाले से मतलब बाग काट लिया इन्होंने काट लो, हम अपने नाले से मतलब हमारा 5 फुट का नाला छोड़ दें, मोहल्ले का पानी जाए समय और बाकी अपना कुछ करें हमें कोई ऐतराज नहीं। तो क्या पटवारी और ये कानू को यहाँ पहुंचे बिल्कुल ध्यान भटका रहे, पैसे खा गए, सीधी सी बात है, कौन खा गया पैसे, कानू का पटवारी भाई, आप एक बात बताओ ये कॉलोनी बढ़ेगी, अगर किसी के घर में जरा सा भी फालतू है तो वो हमें दिखा दो कि इस घर में 1 इंच फालतू, तो अब घरों का ना अपना क्या मतलब इधर सा भाई, समझता हमारी नाले की है या नाला हमारा जो हो, अरे भाई ये रोक लेंगे, जैसे ही कर रहे रोक लेंगे, मेरी बात आगे सम्मानित बंदा चाहिए, मोहल्ले की समस्या खत्म होनी चाहिए, लेकिन आए में पैमाइश कर रहे हैं, जहाँ पर नाला निकलेगा वहाँ नाला बनना चाहिए, हम फेवर में हैं इसके। कॉलोनी वालों का कहना ये है कि जो पेड़ हरे काट दिए बिना परमिशन के काटे गए बिल्डर द्वारा, और यहाँ नहीं नहीं कोई कोई पेड़ नहीं, ये तो अभी 2-3 साल पहले के कटे हुए, 3 साल पहले के कटे, पेड़ नहीं काटा गया अभी कोई पेड़, तो लोगों का कहना है कि उनके पास वीडियो है जो अभी ताजे ताजे पेड़ कटे हुए, रात को 2:30 बजे पेड़ कट रहा था यहाँ पर, ना 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 गलत कह रहे हैं वो, ये तो 3 साल पहले के कटे हुए पेड़ हैं, 2.5 से 3 साल हो गए, तो पैमाइश चल रही है प्रशासन की कर्मचारी द्वारा, अभी सूखी भी जड़ें पड़ी हैं उधर आप देख सकते हो, जो कल इसकी लेबलिंग करी है तो सूखी जड़ें निकली हैं पड़ी हुई हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं, अपना विवाद यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हंगामा देखने को मिल रहा था, जो कॉलोनी के लोग हैं यहाँ पर, हाँ उनको लेकर धरना भी दे रहे हैं, हाँ जब तक नाला हमारा नहीं मिला, नहीं मेरे खिलाफ धरना क्यों देंगे भाई, ये इनका घर है ये मेरी जमीन है, और मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने लेखपाल और नायब साहब आ रखे हैं पैमाइश के लिए, वो जहाँ निकालेंगे कि यहाँ पर नाला है वहाँ नाला बना लो, हमारी तो खुशी है, बहुत बढ़िया नाला बनना चाहिए सबके लिए। अभी यहाँ पर विवाद जो हंगामा हो रहा था वो हंगामा इसलिए था, ये लोग ये चाह रहे थे बिना पैमाइश कराए कि नाला यहाँ बना दो बिना पैमाइश के, ऐसे कैसे बना दें भाई, ऐसे आप कैसे कर सकते हैं भाई, ऑथेंटिक पर्सन आए हुए हैं उसके लिए, तो वो जहाँ भी जो भी निर्णय लेंगे कि भाई पैमाइश करेंगे, हम तो कहते इधर से भी कर ली उन्होंने, पीछे से चारों तरफ से पैमाइश करके वो जहाँ आपकी यदि जमीन के अंदर नाले का निकलता है जमीन, तो बिल्कुल बेशक, हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं बिल्कुल, इधर से क्या मतलब है सर, धरना इसलिए दिया गया है आज ये कि जो नाला है हमारा सजरे के अनुसार उसे उसका पानी कल बंद कर दिया गया था, तो उसे खुलवाने के लिए धरना दिया गया कि हमारा नाला वापस करो, ये जमीन में दबाया जा रहा है, ये जो अभी बिल्डर कम वो बना रहे हैं ना अपनी बिल्डिंग, वो दबा रहे हैं इस नाले को, नाला ही नहीं है जबकि सजरे में नाला है, तो हम जब तक हमारा नाला वापस नहीं मिले तो घरों की पैमाइश से थोड़ा ही नाला मिलेगा, नाला उसका करो ना, लाला की जमीन का और सड़क का, यहाँ से दो ना, नाला तो लाला की जमीन और सड़क के बीच में है,
हजारों लोगों के घरों को थोड़ा ही तोड़ के नाला दे देंगे। और रही पेड़ कटने की बात, आज सुबह 4:30 बजे में घूम रही थी, पेड़ कट रहा था, अभी जाके देख लो आप, हरा पेड़ जड़ जो बता रहे ना सुखी, अभी देख लो, और 1 साल के अंदर अंदर सारे 150 पेड़ कटे हैं। कौन कह रहा 3 साल पड़े, दे 1 साल भी नहीं हुआ है, 1 साल के अंदर अंदर आज सुबह ही एक पेड़ कटा, आप जाके देखो, सुबह ही 4:30 बजे में घूम रही थी। कौन लोग हैं काटने वाले? यही हैं जो बिल्डर हैं, और कौन होगा, और कौन होगा। पेड़ किसने कटवाए यहाँ पर? ये पेड़, ये जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है, इन लोगों ने यहाँ पर रातों रात पेड़ कटवा दिए। आम के पेड़ ये लगभग 3-4 पेड़ कटवा दिए गए हैं बिना किसी अनुमति के। हाँ, 3-4 पेड़ लगे हुए थे और काफ़ी बिना अनुमति इसमें जांच में पाए गए थे, और रात को फिर दोबारा आम के पेड़ काटे का भी लिखित में दिया हमने अभी चौधरी साहब और भी। हाँ नहीं, सुबह आज सुबह तीन बजे ये कार्य किया गया इनकी तरफ से। हाँ रात आज सुबह 3 बजे के आसपास। नहीं नहीं, ये काटे हुए तो आप तो वीडियो देख लो, आप सबूत के तौर पर जो साक्ष्य है अभी शिकायत करेंगे इसकी हम कॉलोनी वासी जिससे भी करेंगे। आज परसों सुबह 4 बजे घूमने को निकला इसी रोड से, अपने नंद विहार कॉलोनी के रोड से, तो इसमें से खटखट की आवाज़ आ रही है। फिर मैंने हकीम जी से पूछा, हमने कि वहाँ आवाज़ आ रही है, बोला वो पेड़ काट रहे हैं, आम की पेड़ काट रहे हैं। अब मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं कि किस कारण से क्यों काट रहे हैं नहीं काट रहे हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी में 4-5 पेड़ कटे हैं 3-4 दिन के अंदर। वो तो कह रहे बहुत पुराने पेड़, आपके सामने वीडियो है, पेड़ है, आम के पत्ते हैं जो कि अभी सूखे नहीं है, नीचे और ये ताजे पत्ते आपको दिखाई नहीं दिए, ये कहीं मैंने कहीं घर से तो लाया नहीं, इसी आम के पेड़ का है। और इसके जड़ देखिए, मिट्टी डाला हुआ है इस पे ताकि ये दिखाई दे कि बहुत पुराना कटा हुआ। और अभी आप इस पेड़ का भी वीडियो बना लीजिए, 2 दिन के बाद ये पेड़ भी आपको दिखाई नहीं देंगे, ये कट जाएंगे। ये जो पेड़ कट रहा, कल भी कटा, जहाँ भैंस कटी वहाँ थी। हाँ जी, अरे तो अभी 1 साल ही हुआ होगा जब ये पूरा बाग ये कटा थे, जब मालिक ने कटवाया था, ये जिसका खेत था, अब ये प्लॉट में बेच दिया, अब वो उनकी बात है, वो कैसे कर रहे हैं। वो अभी कुछ रिजल्ट नहीं निकला, अभी तो हम पैमाइश कर रहे हैं, अस्थाई बिंदु मान गए, हम पैमाइश कर रहे हैं, अभी जो भी रिजल्ट निकलेगा वो हम आपको बता देंगे।